दे रही है, लेकिन वहाँ कर्मचारी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो काम क्यों नहीं करा रहे? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अगर ये बताइए, निचवा नहीं रहेगा जब ऊपर से भ्रष्टाचार चालू है, तो निचवा नहीं रहेगा? जब ऊपर से भ्रष्टाचार चालू है तो निचवा रहेगा भ्रष्टाचार? क्यों छोड़ रहे हैं उनको? क्यों छोड़ रहे हैं? वो छोड़वा रहा है। उससे पहले क्यों नहीं छोड़ते थे सब? कौन सरकार नहीं करती है? राशन नहीं मिलता था सरकार? इससे पहले राशन नहीं मिलता था? मिलता था चाहे एक आदमी था चाहे दो आदमी था, 35 किलो 105 रुपए में मिलता था। यहाँ तो फ्री में मिल रहा है। वो फ्री में 5 किलो में कौन खा कर जिएगा? एक महीना 5 किलो में कौन जिएगा? बताइए क्या कह रहे हैं? 5 किलो में कौन जिएगा एक महीना? आसान भाषा छोड़वा के मिल गए दिनेश लाल यादव निरहुआ के मौसा और दिनेश लाल यादव निरहुआ के मौसा कह रहे हैं कि साइकिल यहाँ जोर के चलेगी और हाथी भी धीरे धीरे चल रही है और कमल का फूल साइकिलिया चली जोर के। अरे साइकिलिया जोर के ना, जो में हवा निकल रही तब न दिया। कहते हैं कि बीजेपी से आप आए, चाहे जिस दल से आप आएंगे उस दल के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मतलब भाजपा जिसको देगी उसके साथ? नहीं, भाजपा तो देगी, लेकिन आप जैसा नेता अगर आ जाता है, हमारे जैसे नेता को क्यों देंगे? आप समाज सेवक हैं, समाज सेवक को कौन देगा? क्यों नहीं देगा? अरे समाज सेवक को टिकट कौन देगा? न इनके भैया जी देंगे, न आपके बाबा देंगे, चलिए कह रहे हैं कि अगर आप जैसे लोगों को टिकट मिलता तो हम जरूर देते, लेकिन हमारे जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। और अच्छा बताइए जी, मैं तो बीजेपी वाला हूँ। कमल का फूल संजय कुमार दुबे हैं और यह कमल का फूल पहले भी खिलाए थे, अभी खिलाएंगे। कुछ लग रहा है मुरझा रहा है क्या? चली साइकिल, चली जोर के, एकदम जोर के। अच्छा ये बताओ साइकिल कैसे चली? खेत कटल है, खुद्दी है? खुद्दी है तो टायर में हवा रही, में हवा का दौरी। अच्छा और का अम्मा सिखाई, हवा रहे चाना रहे साइकिल दौरी, एकदम दौरी, मतलब झूम के चलेगी। लेकिन हाथी अकेले लड़त है गठबंधन में ना? अकेले सब पर भारी है सर। अच्छा हाथी सामाजिक संघ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। 2007 में माननीय बहन जी ने सामाजिक गठबंधन करके पार्टी से नहीं किया था, सामाजिक गठबंधन करके गांव में हवा की अफजल भाई के कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। मोहम्मद मुस्लिम जी भैया, किसकी हवा चल रही है? हम लोग तो अखिलेश के भक्त हैं। राधे श्याम जी बताइए जी, हम लोग तो हाथी वाले, यहाँ पे तो एकदम क्लियर है कि अफजल अंसारी जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि जो केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी गवर्नमेंट, झूठा पार्टी है। कैसे झूठा पार्टी है? कैसे 2 करोड़ रोजगार देना था, आई थी केंद्र में, रोजगार तो दिया नहीं। सूरज निकलने के साथ ही सियासत का रंग भी चढ़ने लगा है। पारा 42 डिग्री सेल्सियस तापमान कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगा। अभी 7 नहीं बजे हैं, चाय की दुकान पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि गाजीपुर का सियासी रंग क्या है, किस तरफ लोगों का झुकाव है, कौन यहाँ से बनेगा एमपी। यहाँ कभी कामरेड लोगों का क्षेत्र था, इलाका था, सरजू पांडे जैसे लोग एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। पंडित नेहरू जैसे लोग पूछते हैं सरजू पांडे कौन है। हमेशा बगावती तेवर वाला यह जनपद राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। अब यहाँ लोग इकट्ठा हो गए, मैं चाहूँगा सड़क छोड़ करके, एक तरफ यह है गांव है कटेला, गाजीपुर जनपद का जंगीपुर विकास, जंगीपुर विधानसभा, जहाँ से विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। जब से जंगीपुर विधानसभा बनी तब से उन्हीं का कब्जा है, यानी उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, मुलायम सिंह जी के समय में दिवंगत हो गए। उनकी पत्नी यहाँ से विधायक हुई, तत्पश्चात कई बार से छक्का लगा रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, यानी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बताइए अपना नाम। सर पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना आपको। मैं विधानसभा प्रभारी जनार्दन रवि बसपा। जनार्दन रवि बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के प्रभारी हैं, आपके प्रत्याशी आ गए हैं जी जी डॉक्टर उमेश सिंह जी जी। इसके पहले कभी उनसे भेंट मुलाकात नहीं जी जी, बहन जी ने भेज दिया कि यही अब रहेगा और जी जी। इसी यही हाथी पर चढ़ा है, इसी पर उठ दो जी, तो आप लोग चंप गए जी। जिसको भी भेजेंगी बहन जी उसी जी पर जी, हम लोग मारना है। प्रत्याशी नहीं देखते हैं सर, प्रत्याशी नहीं, हाथी देखते हैं, हाथी देखेंगे सिर्फ। तो हाथी में, हाथी के वोटों में कोई अंतर नहीं आया? जी नहीं, वही जाएगा,
अपना वोट जो मूल है हमारा स्थायी टिका हुआ है। अच्छा भाई साहब एक चीज, बहन जी इस बार ऐसे ही लड़ रही हैं, यानी किसी से गठबंधन नहीं है। पिछले बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, 10 सीटें निकली और सब भग गए, कोई बचा नहीं, एकाध बचे होंगे तो बचे होंगे, सर सब चले गए। उसमें एक कमी है भागने में और टिकने में। बहन जी ने टिकट दिया कुछ सोच समझ कर कि हमारा एमपी जाएगा, हमारे समाज में समाज के लोगों से मिलेगा जुलेगा, दुख सुख में शामिल होगा, लेकिन ये 200 सांसद जीते, अपना निधि तक का पैसा ये लोग नहीं खर्च किए और समाज में एक भी मिशन का काम एक रोज ये लोग नहीं किए। बहन जी जो चाहती थी वो नहीं किए, खरे नहीं रातल पर ये लोग काम नहीं किए और भग गए। इसीलिए उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था कि हम बहन जी के साथ जाएंगे, उनके सामने तो मैं जवाब क्या दूं। चलिए आपके पास फिर आते हैं, कोई जवाब नहीं था इसलिए वो लोग चले गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम जी भैया, किसकी हवा चल रही है? हम लोग तो अखिलेश के भक्त हैं। अखिलेश के भक्त हैं जी? हाँ। अच्छा जी हाँ, प्रत्याशी। अच्छा यहाँ यहाँ भक्त और अंधभक्त दोनों हैं क्या? जी हाँ। अच्छा हाँ। तो आप अंधभक्त क्यों नहीं हो गए? नहीं, हमको अखिलेश पसंद है। पसंद है जी हाँ। तो अखिलेश का प्रत्याशी कौन है? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जी, जी। अफजाल अंसारी के साथ आप लोग जी, हैं। इधर हाथी चाहे जिसको भी वोट, जिसको भी टिकट मिलेगा हाथी पर ही वोट देंगे, इस यह तय है। और इधर ये अखिलेश के भक्त हैं, अफजाल अंसारी इनके कैंडिडेट। क्या नाम है? नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विवेक कुशवाहा। किसको, किसकी हवा बह रही है? ये यहाँ पे तो एकदम क्लियर है कि अफजाल अंसारी जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि जो केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी गवर्नमेंट, झूठा पार्टी है। कैसे झूठा पार्टी है? कैसे 2 करोड़ रोजगार देना था, आई थी केंद्र में, रोजगार तो दिया नहीं। 16 लाख करोड़ पूरे गांव की कोठरियां भर जाएंगी पैसे से, और अरबपतियों का माफ कर दिया, किसानों का कर्ज माफ होगा नहीं। एक मिनट बेटा, सीट बेल्ट लगाया नहीं आपने, ये किसके किस स्कूल का है? रुक जाओ, तो उनसे कह देना, उनके मालिक से, कि सीट बेल्ट लगाना है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें जाली रहनी चाहिए, बच्चे इस तरह से झांक रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो जाएगी। एक नामी गिरामी स्कूल है, बच्चों इधर नहीं झांकना है, ठीक है? कभी दुर्घटना हो जाएगी, ऐसे हाथ निकालोगे, कोई बहाना आएगा, मार के चला जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ठीक है? भीतर रखना है। अब देखिए, एक नामी गिरामी स्कूल है और यह स्थिति इन लोगों की है, देख लीजिए। अब यह बच्चे यहाँ जाली होनी चाहिए, बच्चे सुरक्षित हों, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अभी हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जिस पर काम करना है। नमस्ते, पहलवानी कैले हवा लगत है? कानून तो रोले हवा, रन्ना लगल है खूब, डेढ़कस भरा ला, सवारी भराई लिए, दंगल उंगल भी बजले हवा। अरे क्या नाम है? हरिद्वार यादव। हरिद्वार यादव, कहाँ जाएगा बा? अरे हमान का तो माला ये अब सपा छोड़ के कहीं जाइए कि नहीं घर को, अगर दूसरों को दे दे जाए तो कोई विश्वास ना माने के ना दिले। तो इस सपा से की हुए अफजाल अंसारी भाई? अच्छा, एक पहलवा तो रहना बसपा से? ओ बसपा से रहे, नेता लोगों का तो काम है, देखत हुआ जी हर लहान और झुक के अपन जात हुआ। अच्छा। फायदा देखत हुआ। अच्छा। आज बसपा में हुआ तो कल सभा में जाइए, परसों कांग्रेस में जाइए। मतलब जेके अखिलेश यादव टिकट दिए वही जगह? हाँ, झंडा वही जगड़ी। अच्छा, यहाँ किकर हवा है गांव में? गांव में हवा की वो अफजाल भाई के कोई रोकने वाला भी नहीं है। कोई रोके वाला ना? ना, कोई पार्टी रोकने वाले भी नहीं है। चलिए, पहलवान हरिद्वार भाई की जय हो। जय जय हो। हाँ, क्या नाम है आपका? राधेश। राधेश श्याम जी, बताइए जी। हम लोग तो हाथी वाले हैं। हाथी कोई भी मतलब घूम के चलेगी, लेकिन हाथी अकेले लड़ती है गठबंधन में ना? हाथ अकेले सब पर भारी है सर। अच्छा, हाथी सामाजिक संघ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। 2007 में माननीय बहन जी ने सामाजिक गठबंधन करके पार्टी से नहीं किया था। हाँ। सामाजिक गठबंधन करके, भाईचारा बना करके माननीय बहन जी ने चुनाव लड़ा था 2007 का। आपने परिणाम देखा था कि पूर्व बहुमत में हम लोग आए और उसी फार्मूले पे माननीय बहन जी ने 2024 का चुनाव लड़ रही। हाथी दमदारी से यहाँ लड़ रही है। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप भी वही यह देख करके तो बताने की जरूरत नहीं है। जी, जी, है? जी, हाथी, हाथी क्या नाम है आपका? शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम, बूथ अध्यक्ष कटाला। बूथ अध्यक्ष, अभी तक प्रत्याशी आए थे कि नहीं?
जी हम लोग मीटिंग में गए थे, भेंट अच्छा, मीटिंग में गए थे, पढ़े लिखे हैं जी, पीएचडी यूएचडी किए हैं जी, कहते कि दोनों कैंडिडेट ना आएंगे, नहीं आएंगे भाई, अच्छा हमने इधर क्षेत्र में हम लोग नहीं आएंगे, मतलब दोनों माने के और ये जो भाजपा से हैं क्या नाम है, पारसनाथ, अच्छा वो भी नहीं आते हैं इधर, कब आए कोई जानता भी नहीं है, अच्छा और ये इनको भी ये माला जैसे माला यहाँ पर कोई माला दूसरा नहीं आएगा, अफजाल भाई के छोड़ करके इधर आएंगे तो वो आएंगे तो अपना अफजाल भाई के भक्त हुआ कि अंधभक्त हुआ, कहा हुआ? भक्त है माना हमान का, अखिलेश का भक्त है, या जे पार्टी में आ जा, अखिलेश के भक्त हैं चाहे जिसको, हाँ जय हिंद सर, आइए फौजी सलाउद्दीन साहब हमारे मित्र भी हैं और साथ में हम लोग काम भी किए हैं, बताइए साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके आने से बड़ी हम लोगों को खुशी हुई जी, कि कम से कम काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, दूसरी चीज़ ये है कि जो संघर्ष आप कर रहे हैं जनता के लिए उसकी बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। हवा क्या चल रही है सर आपके गांव में, इलाके में? अभी तो कोई खास ऐसी हवा नहीं है, लेकिन फिर भी इधर क्षेत्र में ज़्यादा समाजवादी पार्टी का बोलबाला है जी, समाजवादी पार्टी यहाँ से अफजाल अंसारी का ही बोलबाला है, यहाँ भाजपा भी कुछ है, कुछ गिने चुने हैं लोग, लेकिन मतलब कम है, हाथी और यहाँ साइकिल का चुनाव दोनों चलेगा, सही बात है, है? क्या नाम है? रामबदन यादव। रामबदन यादव, अब रामबदन यादव तो पूछने की जरूरत है बारह की, चले की जरूरत एकदम ना, एकदम ना है कहा, एकदम सपा चली, साइकिल चली जोर के, एकदम जोर के। अच्छा ये बताओ साइकिल कैसे चली, खेत कटल है, खुद्धी है, खुद्धी है तो टायर में हवा रही, में हवा का दौड़ी, अच्छा और का अम्मा शिकायत, हवा रहे चाह रहे साइकिल दौड़ी, एकदम दौड़ी, यह बीमारी बा। अच्छा क्या नाम बा? तब साइकिलिया दौरी दौरी हमन का अब्बा रहें जा साइकिल से चलत हैं जा साइकिल दौरी। अच्छा ये बता, ये बतावा जैसे एको एको यादव भाजपा ही ना हुई है, एक का दुक्का कोई कोई हो नहीं तो कोई ना, अच्छा हाँ। कोई नहीं है, कह रहे हैं कि एक भी यादव वर्ग के लोग भाजपा ही नहीं है, कहां से रहेंगे साहब, नौनो को पेपर लीक हो गया, लड़के हम लोग ऊंचा 10-10 लाख रुपए बीजेपी को वोट जाता है यादव समाज का, अच्छा जी हमेशा जाता है, अच्छा हमेशा जाता जाएगा, अच्छा ये बताइए चलिए यादव, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि यादव समाज चकदाउत में भाजपा को वोट देता है जी, अब बसपा को क्यों नहीं देता है? बसपा को मिला था सर वोट, अच्छा मतलब मिलेगा 2024 में मिलेगा वोट, अच्छा यादव बसपा को देंगे जी, मिलेगा कुछ परसेंट वोट मिलेगा, सभी लोग अंधभक्त नहीं है सर, अच्छा कोई बहन जी को भी मानने वाले हैं यादव, बहन जी को भी मानने वाले हैं और कमल के फूल को भी मानने वाले, उनके लाइन आर्डर आज 2024 में जनता याद कर रही है बहन जी की सरकार को, यादव वर्ग इनका कहना है कि हाथी को भी देंगे और कमल के फूल को भी देंगे, आपके तो बहुत उम्र हो गई, हाँ भैया कितना उम्र हो गई? अरे अब इतना हम की याद ना, क्या नाम बा? भग्गू नाम है, भग्गू, हाँ तो भगवान ना नाम असली रह भग्गू, भग्गू का हाथ हो बात, हाँ असली ना मौका है, अब हमेशा छोटे पर देख के आदमी बोलो सही रह गई नहीं, बोल भग्गू चाहे भग्गन हो भग्गू भग्गू, अच्छा कहाँ केकर हवा बहती है? अरे सबका बहते है ना भाई, केकर बहती है पहले पहले का आप कह रहा हुआ कौन पार्टी के पहले वोट दा पार्टी का, अब इतना हमारे का पढ़ल लिखल ना है भैया से क्या बात, हाँ बताइए जी सर आपको क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभू सिंह यादव है, अच्छा और सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद शंभू, हम लोग बधाई देते हैं कि हम लोग आपका हमेशा चैनल को सुनते हैं और देश दुनिया की बात भी आप बताते हैं, शंभू भाई का हवा लगे थी केकर? सर हवा तो हम लोग मुद्दे के चुनाव चाहते हैं, हाँ बताइए बहुत बढ़िया बात, मुद्दे पर क्या चाहते हैं? मुद्दे पर हम लोग चाहते हैं कि जो चाहे किसी वर्ग चाहे भाजपा के लड़के हों जो सपोर्टर हों चाहे बसपा के सपोर्टर हों चाहे बहुजन के सपोर्टर हों, हम लोग को ये देखना है कि जो हमारे युवा वर्ग है पढ़ लिख करके वो रोजगार उस नौकरी पाएगा कि नहीं आएगा, अगली जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो तो 2 करोड़ शिक्षा की बात किया था, वो नौकरी की बात किया था और 15 लाख सबके खाते में आएंगे, लेकिन ये सब भुला करके केवल राजनीतिक समीकरण यहाँ बनाया जा रहा है, भगवान के नाम पर राजनीति हो रही है। अच्छा प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना एक चली है जी, और करोड़ों लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, 40 प्रकार के ट्रेड हैं। अब चूंकि बात हुई है तो इस पर भी बात हो जाए जी, जी, तो उसमें तमाम लोगों को, लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला है। क्या इस गांव में किसी को ऐसा रोजगार मिला? सर मिला है, बहुत से नौजवान किए होंगे। अच्छा, किए होंगे कि किए हैं? किए हैं। अच्छा, और हम लोग को देखने को मिला, लेकिन ऐसा कोई हम लोग को तथ्य नहीं मिला, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे एक बार साजानंद में गवर्नमेंट का आदेश था कि यहाँ से रोजगार मेला लगेगा। हाँ, मेला लगा था, लेकिन वहाँ पर हम लोग को ये सूचना मिली कि कुर्सियां से कुर्सियां लोग मार किए, कुर्सी से ही नेताओं को मारे, अधिकारी को लोग मारे। मनोज सिन्हा जी उस समय जी मनोज सिन्हा जी थे। लेकिन सर जो ये निजीकरण हो रहा है हिंदुस्तान में, हम लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है। सर हम लोग तो किसके साथ हैं आप? सर हमें चाहते हैं कि जो मुद्दे की चुनाव करेगा, मुद्दे की बात करेगा। ठीक है, ठीक है। अब तक जो समझ में आया है उसमें किसके साथ है? सर समझ तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या ज्यादा है। हाँ, और कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो गरीब क्या चाहता है इस चुनाव? गरीब चाहता है कि हमको हमारे बच्चे को नौकरी मिले। अरे गरीब इस चुनाव में क्या चाहता है, किसके साथ? वो तो गरीब जो बदलाव चाहता है, किसान मजदूर बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता जी, एकदम बिल्कुल चाहता। आप कम्युनिस्ट में रहे हैं क्या? जी हम तो आपसे कई बार मुलाकात भी हुई है। किसान मजदूर का जब सवाल आया है तो ये लोग जमीनी संघर्ष करने वाले हैं तो बदलाव चाहते हैं जी। आपकी पार्टी तो गठबंधन में है, महागठबंधन? गठबंधन में है, लेकिन कभी कभी हमारी भी पार्टी सपा गलत कर देती है। गलत इसलिए करती है कि जो तमाम कुछ ऐसी घटनाएं होती है वो जाति समीकरण पर जाके टिक जाता है, और इस तरह से लोगों का जो मनोबल गिर जाता है। आज जो गठबंधन हुआ है, बताइए हीरा लाल कुशवाहा जी किसके साथ है? जी साइकिल के साथ है, और क्या। अच्छा, ये कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी के लोग जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ हैं? कुशवाहा बिरादरी के लोग, बिंद बिरादरी के लोग, चौहान बिरादरी के लोग, राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर इस समय इनके साथ हैं, तो यहाँ उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बह रही है, विकास नहीं हो रहा है, न पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है इस सरकार में। पार्टी से बात नहीं है सर, बच्चों तो अफजल अंसारी ने भी 5 साल में कुछ नहीं किया ऐसा बताते हैं लोग। वो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, वादा करते हैं चले जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं। बताइए विवेक जी, आप ही की तरफ इशारा है कि विवेक अभी पढ़े लिखे अभी, अभी अभी भैया ने जो कहा मुद्दों की लड़ाई है, तो मुद्दों की लड़ाई पे आते हैं। देखिए वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट तो है, लेकिन इसमें शोषण ही शोषण हुआ है। किसानों का शोषण हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है, युवाओं का शोषण हुआ है। इसलिए युवाओं का शोषण हुआ है कि 2014 से लेके अब तक कितनी भर्तियां हुई हैं यही कोई बता दे हमें, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। भुखमरी में आंकड़ा है, भुखमरी में हम एकदम निचले स्तर पे हैं। लेकिन विवेक एक चीज बताइए, 5 किलो राशन मिला है और हमें लग रहा है कि सबके घर मिला होगा, जो लोग भी हैं यहाँ हैं लगभग सबके घर मिला होगा, तो 5 किलो राशन दिया, मतलब चावल दिया, गेहूं दिया और भी कुछ दिया, तो कोरोना काल में घर घर पहुंचवाया गया, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, तो भुखमरी क्या उससे कम नहीं हो रही है? भुखमरी उससे कम क्यों होगी, उससे और तो मजबूर बनाया जा रहा है। अच्छा, और मजबूर बनाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए कि 5 किलो राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? 5 किलो राशन देने की आवश्यकता क्यों? कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व गुरु बन जाएंगे, 2020 में ही विश्व गुरु बनने वाले थे, फिर 5 किलो राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जुमला 5 किलो राशन देंगे और कहेंगे विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, राशन मत दो, रोटी पैदा करने का गुण दो। बिल्कुल जज्बातों की हम रोटी पैदा, किसानों से हमारा देश चलता है, किसान नहीं रहेंगे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। लेकिन किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए जो 400 रुपये बोरी की डीएपी मिलती थी उसको 1200-1400 रुपये में कर दिया, 50 किलो की डीएपी मिलती थी उसको 45 किलो ही कर दिया, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिए। रोजगार अगर भर्ती किसी तरीके से निकाले तो केवल चुनाव में निकालेंगे भर्ती, और चुनाव में निकालेंगे वो भी रद्द हो जाएगी मैच फिक्सिंग की तरह से। बिहार में देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी की सरकार थी लगातार, तेजस्वी की थी कि नीतीश की? नीतीश की सरकार थी, तेजस्वी के गठबंधन से थी, तो उसमें लगातार 2 बार शिक्षक की भर्ती निकली, इतिहास का रिकॉर्ड रहा, तुरंत भर्ती हो गई, कहीं लीक नहीं हुआ, बच्चे ज्वाइनिंग भी कर लिए, यहाँ से बहुत भी लड़के हुए हैं, 4-5 लड़के गांव के हुए हैं। और वही नीतीश बाबू रहे, केवल गवर्नमेंट बदल गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, पेपर तुरंत लीक हो गया। लेकिन बाबा तो कहते हैं हम लटका देंगे, टांग देंगे, लटका देंगे, टांग देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तो भर्ती निकालें और रद्द हो रही, तो उसमें हो क्या रहा है? आखिर जनता को भी तो पता चलना चाहिए। विवेक ने खड़ा किया कटघरे में सरकार को,
और बता रहे हैं कि भर्तियां लीक हुई और किसानों के प्रति कोई इनका घोषणाएं तो थी लेकिन कुछ किसानों को लाभ नहीं मिला। और अनाज देने का मतलब यह है कि हम रोटी पैदा करें न कि अनाज पर आश्रित रहें, यही ना विवेक? क्या नाम बा आपका? दुखंती। दुखंती, बताई चुनाव उनाव चलत बा के प्रत्याशी आल कुछ? अब हमारे का बताओ जी, सरकार जब जैसे चलत बा वैसे दियाई वो ऐसे ही चली। हाँ ऐसे ही चली, रोटवा देवे के। हाँ वैसे देत रही जी, चलत रही के दे। अरे केहू के दे जब समय। अच्छा केरी पहले के दिया ले? सपा के रहा। सपा के? हाँ। तो एदा पारी का करे के? एना पारी जैसे माहौल है वैसे करल जाई। पिछली बार सपा के दिया ले? हाँ। यही बारी? हाँ यही बारी, यही बारी वो है। समय जब आई तो बताए तो खुद वो हिसाब से चलल जाई। ठीक बात है, ठीक बात है। बतावल जा क्या नाम बा आपका? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन, सरफुद्दीन साहब, क्या माहौल बा गांव का? माहौल हमारे का गांव का सपा के जाई हो। सपा के दई? हाँ। अरे कमल का फूल भी कुछ है? अरे कमल का फूल का है का, ये 5 किलो राशन दे के गरीबन का और गरीब बनावत था। 5 किलो राशन दे के और मजबूर किया जा रहा है। अच्छा। हाँ तो क्या मांग कर रहे हैं कि राशन बंद किया जाए? और राशन बंद किया जाए, लड़कों को नौकरी मिले, रोजगार तो दे रहे हैं जो लोग कौशल विकास की ट्रेनिंग बिना पैसे की ट्रेनिंग हो रही है, 8,000 दे भी रहे हैं, सर्टिफिकेट क्या रोजगार दे रहे हैं? कुछ नहीं रोजगार दे रहे हैं। हाँ कुछ नहीं रोजगार। समाजवादी पार्टी उनको देखे हैं कभी प्रत्याशी को? हाँ अफजाल को हम लोग देखे हैं। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से थे? हाँ बहुजन समाज पार्टी से थे, अब समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी उन्हीं को देंगे? उन्हीं को हम लोग देंगे। तो यार आप भैया, हाँ हाँ बताइए, अगर हम किसी पर जाते हैं तब भी हमारा नाम नहीं होगा तो हम क्यों देकर भी बदनाम हो? माइनॉरिटी से हैं, कह रहे हैं अगर हम किसी को और किसी को देंगे तो भी लोग कहेंगे कि भैया ये मियाँ हुआ ही तो दिले हुई है सपे के। तो हम वही पर दे, वही पर दे। अगर लोग विश्वास करते तो हम विचार करते, विचार करती, लेकिन विश्वास लोग करने वाले नहीं है, नहीं है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी को समाजवादी को देंगे। हाँ बताइए, आ जाइए इधर, सड़क छोड़ करके आइए आइए। क्या नाम है जी? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद, बताइए मुख्तार भाई क्या करते हैं आप? सर हम तो ड्राइविंग करते हैं। हाँ और ड्राइविंग करते हैं तो और सड़क छोड़ के इधर आ जाइए। जी जी, हाँ आइए। सबसे पहले कि आप इस कटेला के धरती पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके हम लोग फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और आप ही के गांव भी मेरा ननियाल है सर। वाह 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 वाह, शुभकामना गांव के भांजे के लिए, शुभकामनाएं। और आपके देख के सुन के तो फिर हम आए यहाँ पे। जो माहौल है सर यहाँ पे शफा और भाजपा और लोगों की माइनॉरिटी जो जहाँ पे जा सकता है, स्वतंत्र भारत और ये है, लोगों की जहनी है उनका जहाँ पे वोट कर सकते हैं। हाँ। इस समय हमारे गांव में जो कि शफा की लहर थोड़ा अच्छा चल रही है। जी जी, ज्यादा चल रही है। जी 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 जी, समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार दूंगा। अच्छा बताइए जी, मैं तो बीजेपी वाला हूँ। कमल का फूल? संजय कुमार दुबे हैं और यह कमल का फूल पहले भी खिलाए थे? जी जी, अभी खिलाएंगे? अभी भी खिलाएंगे। कुछ लग रहा है मुरझा रहा है क्या? नहीं 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 मुरझाएगा। हाँ। ऐसे कहने को तो लोग कहेंगे। बताओ क्या कहते हैं? सपा बहुबल क्षेत्र है, ये सपा बहुबल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सपा के लोग कहते हैं बीजेपी वाले हम हैं, बीजेपी वाला रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अच्छा, क्या क्या लग रहा है यहाँ, मतलब कितने लोग? यहाँ यहाँ की सीट तो ये सपा ही निकलेगी, लेकिन बीजेपी वाले हम हैं, बीजेपी को ही देंगे। मतलब यहाँ की सीट माने? हाँ, यहाँ से लोकसभा काम तो कुछ करना नहीं है उनको, बस नाम के हो जाए ये। अच्छा, तो है। प्रत्याशी कौन है भाजपा के? ये पारसनाथ राय। अच्छा, उनसे कभी भेंट है आपकी? हाँ भेंट है। अच्छा, उन्हीं के स्कूल में हम पढ़े भी है। वाह 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 वाह, पारसनाथ राय जी के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया है और इनके गुरुदेव भी हैं और उन्हीं को वोट देंगे। पहले भी भाजपा ही थे, आज भी हैं और आगे तो सोचते हैं कि बीजेपी से आप आए, चाहे जिस दल से आप आएंगे उस दल के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मतलब भाजपा जिसको देगी उसके साथ? नहीं नहीं, भाजपा तो देगी, लेकिन आप जैसा नेता अगर आ जाता है, हमारे जैसे नेता को क्यों देंगे? आप समाज सेवक हैं, समाज सेवक को कौन देंगे? क्यों नहीं देगा? अरे समाज सेवक को टिकट कौन देगा? न इनके भैया जी देंगे, न आपके बाबा देंगे, बहन जी देंगे, कौन देगा? अंधेर नहीं है। चलिए, यह कह रहे हैं कि अगर आप जैसे लोगों को टिकट मिलता तो हम जरूर देते, लेकिन हमारे जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा।
और यह भी सत्य, अच्छे लोगों को हमेशा नीचे दबा दिया जाता है। एक चीज ये हुआ कि यहाँ कमल का फूल भी खिलेगा और कट्टर है बूथ पन्ना प्रमुख है क्या है? नहीं प्रमुख नहीं है लेकिन बीजेपी वाला ही है, कट्टर भाजपा वाले है। तो यह रहा, आइए कहाँ बाटल लेके गल रहा लगा था खेत में। हाँ चापा सवेरे में गुटका लेके एकदम दबले रहा हुआ यार। क्या नाम बा? घूरा। तो बाटल लेके गल खेत में। अरे शौचालय उचालय ना बनल का? नहीं ना बनल। अभी ना बनल है? घूरा भाई का शौचालय ना बनल? सबकर गांव भर के बन गल, सगरो शौचालय बन गल, तब इन खेत में जाला। आप भौजी कहाँ जाली? वो खेतों में जाली। लड़का लोग भी खेतों में जाला। तो इस सवेर वो हुर लेला है तो बिना लहले ना उतरे ले है, मतलब जब ले ले बात तब उतरी। यो बीमारी बा भैया, देख लीजिए सुबह से जब यह ले लेंगे पान खा लेंगे गुटका उटका खा लेंगे ऐसे कैंसर होला पता है? तो कैंसर सो पे पहला क्या कर रहे? क्या कर रहा? ये तो मजदूरी कर रहा। तब श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करो ले हुआ का है? ये तो ड्राइविंग ना मिलल तो करा ला रजिस्ट्रेशन। मजदूर के लिए अच्छी योजना है सरकार की, उसका लाभ लेना चाहिए, क्यों नहीं लिए हैं? तो ये गांव में कितना लोगों का शौचालय ना बनल है? बहुत लोग का ना बनल है, यही तरह जाना लोग सवेरे सवेरे। सही बात है ना, तो चेक करके देखें। हाँ सब ये घूरा भाई हैं और शौचालय इनका नहीं बना है, घूरा और भौजाई भी जानी। उस शौचालय में कौन करेगा लैट्रिन सर? हाँ 3 फुट गड्ढे में कौन लैट्रिन? वो ना मरते माने जिसका बना भी ऐसे कैसे हो कि ना बनल हो? हां कि कल बात बताओ थे। हां बीमारी पैदा कर उनका झूठ बोलो थे। हां 12,000 में 2,000 प्रधान के चाहिए। अच्छा तो यार आप भैया स्वच्छता अभियान और बगैर किसी भेदभाव के हमने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, जो लोग बताए उसी को हम मूल रूप से बतावा। क्या नाम बा? सुनील दुबे। चपले हवा लोग यहाँ मतलब कमल का फूल खिली हम लोग भी सर। अच्छा तो कमल का फूल हवा इनकी भी बहुमत हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि क्योंकि अपना खुद का बना लेंगे भैया। 12,000 एक शौचालय बनाने में कितना पैसा लगता है? तो शौचालय बनौले 12,000 मिलत है ना? 12,000 में का बन मिलत है? मिलत 12,000 दा उनके। अरे अपन लगा के बना दो 25,000 उनके पास वाला दौड़ा। ये कह रहे हैं कि कई बार दौड़ना पड़ेगा और उसमें भी 10,000 मिलता है ये ना? हाँ। लेकिन तब वो बनल ना तुहार बताइए भाई, कह करके बनवाइए गांव में आप लोग। नहीं शौचालय बना है तो पैसा हम लोग को भी आया था, लेकिन हम लोग उसमें अपना पैसा लगाए उसको अच्छा बना। तो जागरूकता भी पैदा करिए कुछ, अपने मेहनत करेंगे तो खाएगा ना? सबको फ्री का सब कुछ चाह रहा है, सबको फ्री का चाह रहा है। सरकार कुछ कर क्या कर रही है ये मालूम नहीं है। अपने क्या कर अपने दरवाजे पर किसी को झाड़ू नहीं लगाना है, दूसरा आएगा तो झाड़ू लगाएगा, दूसरा कमाएगा तो ये लोग खाएंगे। लेकिन लेकिन पहले किसी को नहीं है, लोग नहीं लेना चाहिए ना फ्री का? क्या नाम है? प्रदीप यादव। प्रदीप क्या करते हो प्रदीप? हमारी एक। अच्छा बहुत बढ़िया, किस चीज की? जनरली। अच्छा ठीक बात है। तो यार आ दोस्तों लोगों से बातचीत किया, पहलवान पटकी है जरूर है? पटक देवा एकदम के मतलब हाथी और कमल के फूल के सबको पटक एकदम दबा दे साइकिल यहाँ पर दबा दे। चलिए दोस्तों जिन लोगों ने बातचीत किया उनसे हमने बगैर कटपिट किए, और जिनके दुकान पर है उनसे तो हमारी बात ही नहीं हो पाई। क्या नाम बा आपका? हरिनाथ। तो यहाँ का बनला? जलेबी बनला, चना चना सवेरे, चाय। अच्छा समोसा पर तो आप तो बतेबा ना के वोट दिया कि बता दे बा। अभी बता दिए कि साइकिल पर ही देंगे। क्या नाम बा आपका? सरदार नाम। अच्छा बताइए का बताइए?
अरे मतलब कुछ गांव का विकास उकास 75 साल देश के आजादी अमान का विकास पे आप खुद बतिया दे रहे हैं कि अब आही रहे हो तो भाई वही जाएंगे। अच्छा वो आप वो विश्वास नहीं किया तब का आप वो है तब का तो पहले फर्री और मरले है कि ना फर्री ना मरले उड़ा कूद ले उड़ा कूदल हुआ। अच्छा ये मुलायम सिंह तब ना हुआ पहले तो चौधरी चरण सिंह की संघेराला लोग केकरी संघेराला चौधरी चरण सिंह तब मुलायम सिंह तब अखिलेश की। अच्छा हाँ। चौधरी चरण सिंह के थे उसके बाद मुलायम सिंह के साथ रहे अब अखिलेश के साथ हैं। हाँ। अखिलेश का पत्नी भी लड़ती उनका क्या नाम है का इनका नाम? अरे उनका मेहरारू बुला कर डिंपल। अच्छा 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 तो अखिलेश के साथ हुआ तो अखिलेश के भेजले हुआ के भेजले अखिलेश के लड़े खातिर भेजले अरे वो नहीं के नाम मियाँ साहब के का नाम हुआ उनका अफजाल। अच्छा हाँ अफजाल अंसारी वही जग खूटा वही जग गड़ी अरे खूटवा उखरी ना हाँ उखड़बे ना करी जो ना साइकिल के खूटा उखड़बे ना करी ना उखरी। अच्छा हाथी का करी हाँ हाथियों बेचारी चलत बा अपन वही मेरे गुड में चल बा हाँ कैसे चलत है धीरे धीरे चलत है। हाँ आ कमल का फूलवा का हुई कमल फूलवा मुरझा जाई यह ना। अच्छा हाँ देखिए उनकी बात वो बात अभी बतवा बतियाते हैं अब मिल गए दिनेश लाल यादव निरहुआ हाँ, के मौसा हाँ, और दिनेश लाल यादव निरहुआ के मौसा कह रहे हैं कि साइकिल यहाँ जोर के चलेगी और हाथी भी धीरे धीरे चल रही है और कमल का फूल मुरझा जाएगा। हाँ, ये बतवा हाँ, निरहुआ को भाजपा ने टिकट दिया मोदी जी ने आजमगढ़ से दिया हमारे कौन काम करेगा निरहुआ। अरे क्यों नहीं करेगा यही नहीं, नहीं, नहीं करेगा कि यही कहना है नहीं निरोवा यही का ऐसे का मतलब आजमगढ़ काम करेगा हमारा काम नहीं करेगा त्वार प्रणाम करेला ना गलत बोले तो बोलो। अच्छा ये बताओ निरहुआ दिनेश त्वार प्रणाम करेला ना हाँ। मौसा पा लगी क्या बोलेगा पा लगी। अच्छा अच्छा गोल लगा बाकी हम का कहोला कि जानते हैं कि आजमगढ़ क्या काम करेगा हमारा क्या काम करेगा कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये बतावा तो भाजपा एगो अहिर के दलस ना टिकट तो दलस तो अहिर वहां जीतू अहिर वहां जीते चाह रहे हमसे उससे का मतलब है यहाँ तो जितबा मियाँ जितबे करी पक्का पक्का। आप बताइए भैया क्या करेंगे भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया और निरहुआ इनके पैर भी छूते हैं और निरहुआ की मौसा हैं लेकिन मौसा ये जो उठल तब नौकर की मदद कर देंगे आजमगढ़ के उनका मदद करब साइकिलिया चली झोर के अरे साइकिलिया झोर के ना जो हुआ निकल गई तब नदिया पार कर दी। दोस्तों यह रहा देखिए इन लोगों के साथ इस झोपड़ी में एक चर्चा हुई है और बहुत सी बातें छन करके आई है। हाँ एक मिनट चाहता हूँ जैसे क्या नाम बात हम कहते नाम रामविलास। अच्छा रामविलास जी का हवा लगे थे कुछ हवा का हाल मन के का बतावल जाए अरे का है ना कुछ का बतावल जाए क्या ले ले हुआ सोर्रा ले ले। अच्छा कैसे मिले ला सोर्रा पहले का भाव रहे इस समय का भाव है भाव का भाव ले जाते जा खेत में जो मिले तो डालल जाए। अच्छा हाँ कुछ भाव में कमी आई है दमवा बढ़ल है घटल है अरे महंगाई हुई है चलिए चलिए हाँ बताइए कुछ कह रहे थे बताइए जैसे हमारे सुनील भाई बोले हैं हाँ आइए फ्री में सुनील आइए आज बीजेपी गवर्नमेंट राशन दे रही है यहाँ राशन की आवश्यकता नहीं है सर 2014 में मोदी सरकार आई और कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा भाई और बहनों। अच्छा। 2 करोड़ नौकरी न दे करके सर आज 5 किलो राशन दे करके जनता को बेकूफ बना रहे हैं भिखमंगा बना रहे हैं जनता को 5 किलो राशन नहीं चाहिए है ना पारी मैं जनता से आग्रह और विनती करता हूँ नमक और राशन उसी बैग में पैक करके और बीजेपी के मुंह पर बिक दीजिए कि अपना राशन ले लो अपना नमक ले लो हमको नमक और राशन की आवश्यकता नहीं हमके रोजगार की आवश्यकता है शिक्षा की आवश्यकता है। बताइए क्या कर रहे हैं नेताजी नेताजी तो जो भी कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं भाई कुछ गलत बोल दिए। अच्छा कौन जनता चाहेगा कि बैग सही तो वो वापस कर देगा नहीं लेगा करना पड़ेगा हाँ करना आपको पड़ेगा कौन सरकार नहीं करती है राशन नहीं मिलता था सरकार इससे पहले, इससे पहले राशन नहीं मिलता था मिलता था एक आदमी था सबको मिलता था चाहे एक आदमी था चाहे दो आदमी था 35 किलो 105 रुपए में मिलता था यहाँ तो फ्री में मिल रहा है वो फ्री में 5 किलो में कौन खा कर जिएगा 1 महीना 5 किलो में कौन जिएगा बताए क्या कह रहे हैं 5 किलो में कौन जिएगा 1 महीना आसान भाषा छोड़वा के चरुआ रहे उससे बेसी तो इतना महंगी का खास सोरा डालते हुए और सब चर जा रहा है और बोल रहा है कि उसको काटना नहीं है क्यों नहीं कट रहा है वो कट नहीं रहे हैं सब गौशाला में मर रहे हैं सब कट रहे हैं ना तब फिर कहाँ रोक है
तो गौशाला में सब। अच्छा ये बताइए आप लोग दूध निकाल करके क्यों छोड़ रहे हैं उनको? क्यों छोड़ रहे हैं? वो छोड़वा रहा है। अच्छा। उससे पहले क्यों नहीं छोड़ते थे सब? यहाँ उसकी भी समस्या है कि फसल को नुकसान करते हैं छुट्टा पशु, और जिन गौशालाओं में गो आश्रय केंद्रों में रखे गए हैं वहाँ भी तड़प तड़प करके मर रहे हैं, ऐसा ही कहना है, पानी बिना मर रहे हैं। यह बात सही है ना? वहाँ सरकार दे रही है, वहाँ कर्मचारी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो काम क्यों नहीं करा रहे? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अगर ये बताइए नीचवा नहीं रहेगा, जब ऊपर से भ्रष्टाचार चालू है तो नीचवा नहीं रहेगा? जब ऊपर से भ्रष्टाचार चालू है तो नीचवा रहेगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार 2007 से लेके, सर मैं कहना चाहता हूँ 2007 से लेके 2012 तक यही भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार खत्म था, जनता खुश थी, अमन चैन की जिंदगी जीती थी सर। मतलब बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ था। अच्छा थाना पुलिस में क्या है? थोड़ी सी स्वस्थ बहुत अच्छा हो गया थाना पुलिस, थाना पुलिस में कहीं घूस नहीं लग रहा है, घूस तहसील बगैर हुआ है ना होगा? भैया थाना पुलिस में क्या हाल है? बगैर घूस का कोई काम नहीं हो रहा है थाना पुलिस में, क्या है कुछ स्थिति आपको कुछ अनुभव है इस समय? नहीं नहीं आजकल तो जान ही रहे ना कि बगैर कुछ दिल या कुछ होने वाला है नहीं। सही बात यही है ना? जी सर बिल्कुल सही है, बगैर पैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये हाँ कहीं भी आप चले जाइए बिना पैसे का कुछ होने अच्छा, वाला नहीं। अच्छा, क्यों नहीं क्यों नहीं कम हो रहा है बाबा? इतना चाप रहे हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा है, लोगों को आज आ रहा है पहलवान, कम हो रहा है और बढ़ती जा रही है, बढ़ रहा। अभी अगर सब नंबर आ जाए यहाँ तो बगैर 500 लिए आदमी को अगर बुला दिया मुसीबत में, बगैर पैसा लिए नहीं जाएगी घर से। यह है कटैला चट्टी और जंगीपुर विधानसभा, गाजीपुर लोकसभा, जहाँ विभिन्न जाति वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, सब में अच्छा प्रेम व्यवहार भी है और निष्पक्ष रूप से इन लोगों ने अपनी अपनी बात कहा। बाबा एक बात हम कहना चाहते हैं, आप तो सभी लोगों को सुन लीजिए, राशन कार्ड बनवाया किसने? किसने बनवाया? कई कार्ड मोदी जी की सरकार में बढ़ा है, इसको बढ़ाने वाला कोई नहीं था। जब सपा की जो सरकार थी और अंतिम में जाने वाली थी, अधिकतर लोगों को राशन कार्ड बना है, सच्चाई है, और जो 5 किलो राशन आज मिल रहा है कुल उसको फ्री किया गया है, वो लोकतंत्र का अधिकार है। आप रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा बाबा, आप जानते हैं कोई राशन किसी को नहीं देता है, जो 2 रुपया 3 रुपया किसी का उसको फ्री कर दिए। जीएसटी लगा है सर बाबा, आज सौभाग्य है कि आप लोग के सामने हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी सरकार है, इतने भाई खड़ा है, आज देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर सवाल खड़ा हो रहा है, चाहे ईडी हो सीबीआई हो, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के सबसे बड़ी अदालत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आज सवाल खड़ा किया जा रहा है, किसी की मौत और हो रही है, और ईडी और सीबीआई केवल विपक्ष पर ही जा रही है, ये और केवल विपक्ष पर जा रही है, एक तरफ हो गया, सब लोग गंगा स्नान कर लिए हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है कोई। और एक चीज बाबा कहेंगे आपसे, भगवान राम और कृष्ण के नाम पर राजनीति हो रही है, और मैं योगी और मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आप किस राम की बात करते हैं? अयोध्या की राम की बात करते हैं कि उस राम की बात करते हैं जो कड़कड़ में और हर खड़ खम्भ में सब में है? किस राम की बात करते हैं? राम कभी शिकार नहीं करता है, राम कभी तीर नहीं चलाता है, भगवान कभी तीर धनुष किसी पर वार नहीं करता है। क्यों रावण पर तीर चलाए तभी ना रावण मरा? एकदम मरा, मरा, रावण प्रतापी राजा था। अच्छा लगा, चलिए जाते जाते आप भी आ गए हैं, कुछ चर्चा कर लिया जाए। क्या पूछना चाहते हैं? कितना इतना पान क्यों खाए हैं आप? कई बार इसके रलत खात हुआ तब से। कम करना है सब, फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा। बताइए क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल अफजल के साथ हैं, धन्यवाद। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, कटैला में जंगीपुर विधानसभा और गाजीपुर लोकसभा का यह गांव है, एक चर्चा हुई, आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।